नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है भाई, ये है एप्पल के रिलेटेड, जहां पर अगर आप एक मैकबुक प्रो यूजर हैं तो आप लोग इस चीज से एग्री करेंगे। एप्पल ने जब मैकबुक प्रो को अपडेट किया 2016 के अंदर, तो उनने सारी पोर्ट्स निकाल दी, उनने सिर्फ यूएसबी टाइप सी रख दी। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पॉइंट के ऊपर टाइप सी एक स्टैंडर्ड बन चुका है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो आप टाइप सी के थ्रू नहीं कर सकते, या अगर कर भी सकते हो तो आपको एक सेपरेट डोंगल रखनी पड़ेगी जिसमें इंपॉर्टेंटली मेमोरी कार्ड रीडर और उसके अलावा हम यूज करते हैं इस पे। हाँ, हम लोग मेमोरी कार्ड लगाना होता है तो अजाब बना होता है। असल वाला जो लैपटॉप है ये 2015 है, इसमें इजीली मेमोरी कार्ड लग जाता है, सारी पोर्ट्स अवेलेबल है। ये जो है ये 2020 मॉडल है और इसमें बकायदा तौर पर एक जो आपको HDMI लगानी है, कुछ भी लगाना आपको अलग से मॉडल चाहिए, तो वो जो चीज है सुनने में आ रहा है कि एप्पल अब दोबारा खत्म कर रहा है और अपने आने वाले लैपटॉप के अंदर, जो कि उनकी M सीरीज के लैपटॉप होंगे, M1X नाम दिया जा रहा है उसको, उनके अंदर दोबारा से HDMI पोर्ट और उसके अलावा जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड की पोर्ट है वो अवेलेबल की जा रही है। USB पोर्ट्स वापस नहीं आ रही, तो आपको USB टाइप सी ही देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें जरूर है, स्पेशली जो मेमोरी कार्ड वाली चीज है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HDMI भी मैं कह सकता हूँ कि यार चलो ठीक है, डायरेक्ट कॉपी होना इसका बहुत बेहतर है।